सीबीआई ने बुधवार देर रात पूर्व वित्त मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में गिरफ्तार किया। सीबीआई हेडक्वार्टर में उनसे घंटों पूछताछ की गई, इसके बाद उन्हें सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया। देखिए खास रिपोर्ट। आईएनएक्स मीडिया केस मामले में पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम को सीबीआई कोर्ट राउज एवेन्यू में पेश किया गया। सीबीआई जज अजय कुमार के सामने पी चिदंबरम की पेशी हुई। सुनवाई से पहले पी चिदंबरम के बेटे कीर्ति, उनके वकील अभिषेक मनु सिंधवी अदालत पहुंचे, जबकि सीबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील पेश की। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस द्वारा इसे बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया गया। साथ ही राजधानी भोपाल की सड़कों पर जमकर प्रदर्शन किया गया। हम सभी यहाँ पर कांग्रेस जन, आम जन केंद्र सरकार के खिलाफ एकत्रित हुए हैं, विरोध स्वरूप एकत्रित हुए हैं सीबीआई के। जिस प्रकार से केंद्र द्वारा सरकारी एजेंसियों को उनका शस्त्र बना के, कठपुतली बनाकर और दुरुपयोग किया जा रहा है विपक्ष के खिलाफ में, जो सत्ता पक्ष से सवाल पूछेगा, प्रश्न पूछेगा, भ्रष्टाचार पर उंगली उठाएगा, उसको एएनकेएन प्रकरणित जेल में भेजने की ये साजिश करी जा रही है। अमित शाह केंद्र सरकार द्वारा जानबूझ के चिन्हित करके विपक्षी नेताओं को परेशान किया जा रहा है, मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है, बेइज्जत किया जा रहा है, एक संदेश देने के लिए कि जो आवाज उठाएगा केंद्र के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ, उसका यही हश्र होगा, उसको जेल में डाला जाएगा। इस बात का विरोध प्रदर्शन है आज। वहीं दूसरी ओर सत्तारूढ़ बीजेपी के नेता एवं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सभी संवैधानिक संस्थाएं स्वतंत्रता से काम कर रही हैं। ऐसे में न्यायालय को अपना काम करने दें, सत्य सामने आ जाएगा। देखिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहीं कोई वक्तव्य सामने नहीं आया। सीधे तौर पर इसका एक ही संदेश है, देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जब होती हैं तो सिस्टम ठीक से काम करना शुरू करता है। सिस्टम के भीतर की जो भी बरसों पुराना घुन था माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, वो घुन खत्म हुआ है, वो घुन समाप्त हुआ है, सिस्टम ठीक से काम कर रहा है। अगर अदालतों ने ही कोई आदेश दिया है, भ्रष्टाचार के कोई मामले सामने आए हैं, तो उसको सिस्टम को काम करने दें, इतने बेचैन होने की इनको क्या आवश्यकता है। अक्सर हम ये सुनते हैं कि एक समय पर हो चुकी कहानी कभी ना कभी खुद को दोहराती जरूर है, और जब बात सियासत की हो तो यहाँ तो समय का चक्र तेजी से घूमता है। जो कुछ आज हो रहा है, ऐसा ही कुछ आज से 10 साल पहले मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी हो चुका है। यूपीए सरकार के समय साल 2008 से 2012 तक पी चिदंबरम देश के गृह मंत्री थे। वहीं सोहराबुद्दीन मामले में उस वक्त अमित शाह को 22 जुलाई 2010 में गिरफ्तार किया गया था। वहीं कांग्रेस इस मामले को जोड़ते हुए इसे बदले की कार्रवाई बता रही है। बहरहाल अब मामला न्यायालय में है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, दिल्ली।